ऐसा रॉक फॉर्मेशन मैं कभी देखा नहीं एक्चुअली। अपने आंखों से लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। दोनों तरफ ये रॉक का वॉल जिसके जरिए ऊपर से बारिश का पानी पूरा सनलाइट अंदर आ रहा है और इको हो रहा है एक्चुअली। अमेजिंग एक्सपीरियंस राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी मैं जो कोस्टल कर्नाटका का ट्रिप कर रहा हूँ इसके एक नया एपिसोड में आप सभी को स्वागत। आपने अगर मेरे चैनल को मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो पता चलेगा कि मैं वो कोस्टल रीजन कर्नाटका का करवार से ये दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आया था और दांडेली सेंचुरी पे आने के बाद काली टाइगर रिजर्व के ऊपर जंगल सफारी किया था। वो सारे ट्रैवल व्लॉग्स डेफिनेटली आप देखना मत भूलना। तो अभी एक्चुअली मेरा आज का जो सफ़र है ये दांडेली से गोकर्णा जाना। गोकर्णा इज़ अनदर ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन इन कर्नाटका कोस्टल रीजन और बीच में हम लोग येलापुर होके जाएंगे और दो तीन ब्यूटीफुल वर्ल्ड फेमस सीनिक हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करेंगे। तो मैं एक्चुअली अभी खड़ा हूँ ये दांडेली का काली टाइगर रिजर्व जहाँ से मैं एक्चुअली पिछले डेढ़ दिन यहाँ पे रुक के बहुत फॉरेस्ट सफारी को एक्सपीरियंस किया था। और हमारा ये आज का रोड ट्रिप होने वाला है काली टाइगर रिजर्व जो कुलगी नेचर कैंप है वहाँ से सीधा गोकर्णा थ्रू येलापुर। तो चलिए मिलते हैं हमारा रोड ट्रिप में और बीच में हम लोग देखते हैं जैसे हमारा हर रोड ट्रिप होता है ब्यूटीफुल स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हुए वैसा आज भी होएंगे। लेट अस बिगिन आवर जर्नी। तो अभी ये कुलगी से हम लोग येलापुर की तरफ रोड लिए हैं और यहाँ से एक्चुअली मेरा दो स्पॉट्स कवर करके जो गोकर्णा कोस्टल टाउन है कर्नाटका कोस्टल रीजन पे वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएंगे। स्ट्रेट जाएंगे तो ढाई तीन घंटे में पहुँच जाते हैं। इट्स अराउंड 140 टू 150 किलोमीटर फ्रॉम दिस कुलगी टू गोकर्णा। तो देखते हैं मतलब कैसा जाता है हमारा रोड ट्रिप। अभी हम लोग निकल के जर्नी रिज्यूम किया है हमारा ये गोकर्णा की तरफ। फिलहाल अभी के लिए जा रहे हैं येलापुर, वहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। लोग ये जो काली टाइगर रिजर्व जो दांडेली वाइल्ड लाइफ का जो रेंज था वहां से अभी अभी बाहर आए हैं। मैंने आपको बताया तो था कि हम लोग काली टाइगर रिजर्व का जो चेक पोस्ट है उसके बाहर आ गए। दांडेली का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीजन है उसके ऊपर से अभी भी चल रहे हैं। मतलब येलापुर पहुंचने में मैप में दिखा रहा है अनदर 12 किलोमीटर और येलापुर पहुंच के हम लोग नेशनल हाईवे 52 पकड़ के सीधा जाएंगे हमारा जो डेस्टिनेशन है मतलब जो स्पॉट डेस्टिनेशन है वहाँ पे। अभी ये स्टेट हाईवे 93 के ऊपर से जा रहे हैं। ब्यूटीफुल रोड्स एक्चुअली, रोड का कंडीशन इतना अच्छा है ना, दोनों तरफ जंगल और बीच में से फैंटास्टिक रोड। ये देखो फिर से चेक पोस्ट आ गया, पता नहीं किसका चेक पोस्ट है। अभी अभी जो स्टेट हाईवे 93 था वो हम लोग क्रॉस करके नेशनल हाईवे 52 में पहुंचे हैं। ये सीधा येलापुर होके मतलब एक जंक्शन आएगा और भी आगे जहाँ से करवार जाते हैं। तो हम लोग तो करवार घूम के यहाँ पे आए हैं और हम लोग आज जाएंगे गोकर्णा पर उसके पहले भी दो ब्यूटीफुल स्पॉट्स को कवर करेंगे। तो फिलहाल मैं एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कहीं पे रुक के लंच करने के लिए। तो येलापुर में पहुँच के मैं एक्चुअली लंच के लिए ये होटल मालाबार पे अभी रुका हूँ। तो अंदर जाके कुछ मील्स वगैरह लेके हम लोग फिर जर्नी हमारा रिज्यूम करेंगे। तो अंदर चलते हैं अभी। मतलब मैंने वेज मील्स किया बेसिकली, तो राइस, दो चपाती है, पापड़ है, उसके साथ यहाँ पे दाल फ्राई है और ये रायता कर्ड भी है। बीट का सब्जी मुझे दिख रहा है, गोभी का सब्जी, पिकल, ऑनियन, लेमन और ये स्वीट रवा। तो ये है येलापुर टाउन और अभी अभी हम लोग ये होटल मालाबार टाउन के ऊपर जो होटल है वहाँ पे वेज मील्स लिए थे। ये था होटल मालाबार।
और अभी निकलते हैं हम लोग जो हमारा डेस्टिनेशन है, फर्स्ट डेस्टिनेशन याना केव्स। जी हाँ, यहाँ से मैप में दिखा रहा है 65 अराउंड किलोमीटर्स, तो पहुँचते हैं वहाँ पे, कुछ ट्रेकिंग वगैरह करना होगा। तो लेट मी रिज्यूम माई जर्नी। हम लोग अभी लंच खत्म करके सीधा याना केव्स जा रहे हैं। अभी यालापुर से 65 किलोमीटर्स दिखा रहे थे और हम लोग ऑलमोस्ट 10 टू 11 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। एक्चुअली नेशनल हाईवे 52 पकड़ के अभी नेशनल हाईवे 52 से हम लोग आगे आके ये याना केव्स की तरफ हम लोग लेफ्ट टर्न लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 21 टू 22 किलोमीटर है सामने एक्चुअली। तो ये यानापुर से हम लोग अगर आते हैं तो इसी रूट से याना केव्स जाना चाहिए, और इसी रूट से जाने का या याना केव्स को एक्सप्लोर करने का एक फायदा भी है, वो मैं आपको एंट्री पॉइंट पे जाके बताता हूँ। अदर रूट इज लाइक फ्रॉम गोकर्णा कुमटा रूट, तो उस रूट से भी आप आ सकते हो याना केव्स पे, पर इधर से डेफिनेटली कुछ फायदा है, इसलिए मैं आज ये रूट चूज किया हूँ। मिलते हैं याना केव्स के एंट्री पॉइंट पे। पहुंच गया मैं याना केव्स के जो पार्किंग एरिया है। लास्ट के 2 किलोमीटर थोड़ा बैड पैचेस था, और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 3:50 आफ्टरनून के। सामने थोड़ा ट्रैक करना होगा। याना केव्स के बाद हम लोग जाएंगे विभूति फॉल्स। ये केव्स को देखने के लिए लास्ट 12 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब अपने आँखों से देखने के लिए। याना केव्स और याना रॉक केव्स जो है सेम है, तो इसका टिकट मैंने यहाँ से ले लिया। मतलब अभी के लिए 10 रुपीज़ पर एडल्ट, बच्चे के लिए नहीं है कुछ। और हम लोग अभी आधा किलोमीटर ट्रेक करेंगे ये जंगल के बीच में से इस तरफ। तो चलिए मैं आपको जो गांडेली से ये गोकर्णा का रूट में याना केव्स विजिट करने का जो ये ट्रैवल व्लॉग है, इसके सारे रास्ते में एक्चुअली मैं आपको बताते गया कि यालापुर से जो याना केव्स का रूट है वो मैंने क्यों चूज़ किया था, और गोकर्णा कुमटा वाला रूट क्यों नहीं चूज़ किया था। तो उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। तो याना केव्स या रॉक केव्स जो है, इसमें पहुँचने के लिए 2 रूट है। एक जैसे मैं आपको दिखाया कि हम लोग यालापुर से यहाँ तक आए, और दूसरा है कि गोकर्णा कुमटा होके। तो आप अगर गोकर्णा कुमटा रूट से याना केव्स के एंट्री पॉइंट पे आते हो तो वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के करीब ट्रेक करना पड़ता है, और उसके बाद 300 अराउंड स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ता है केव्स तक पहुँचने के लिए। बट द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट, जो मैंने एक्चुअली खास करके चुन के R&D करके निकल के इस तरफ से आया, यहाँ पे अगर आओगे मतलब यालापुर के तरफ से अगर आओगे तो आधा किलोमीटर सिर्फ आपको पैदल चल के ट्रेक करना पड़ेगा, और वो भी जैसे हम लोग अभी ट्रेक कर रहे हैं, देखो ऐसे ट्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्टेप्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आप केव्स पे पहुँचोगे। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और ऐसे ट्रेक है, मतलब हाइकिंग वगैरह नहीं है, जस्ट ट्रेकिंग, और दोनों तरफ जंगल है। मैं करवार जो कोस्टल कर्नाटका टाउन है वहाँ से डायरेक्टली गोकर्णा आके याना केव्स विजिट कर सकता था, पर मैं एक्चुअली डांडेली वाइल्ड लाइफ विजिट किया, उसके बाद यालापुर के तरफ से ये याना केव्स तक आया। तो ऐसा देखो, मतलब मडी टेरेन है बेसिकली, और ये दोनों तरफ जंगल, और सामने जाके आपको याना रॉक्स या याना केव्स मिलेंगे। ये डांडेली वाइल्ड लाइफ रीजन पे आते हैं बेसिकली। तो डांडेली वाइल्ड लाइफ का जो रेंज है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली वो टाइगर रिजर्व वगैरह एक्सप्लोर किए थे, उसी रीजन पे आते हैं, पर ये टाइगर रिजर्व के बाहर है, तो आप आराम से ऐसा ट्रेक करके केव्स तक पहुँच सकते हो। और वो मुझे पेड़ों के बीच में से कुछ तो दिखा, जो देखने के लिए मैं पिछले 12 साल से वेट कर रहा था। तो फाइनली मैं आ पहुंचा हूँ याना रॉक्स या याना केव्स, और ये है मेरे सामने डांडेली रीजन का द फेमस एंड ब्यूटीफुल याना केव्स।
मार्वलस मतलब नेचुरल फॉर्मेशन है और टोटली अमेजिंग। तो इसके अंदर चलते हैं नज़दीक से और भी थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस बेटर व्यू लेते हैं। तो ये जो याना केव्स या याना रॉक्स है यहाँ पे बेसिकली पास ही में याना विलेज है तो विलेज के साथ ही ये रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया तो इसलिए ये रॉक्स को याना केव्स या याना रॉक्स नाम से बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे अराउंड 61 लाइमस्टोन्स का पर्टिकुलर फॉर्मेशंस है, इनमें से दो फेमस है। तो ये जो बड़ा वाला यहाँ पे देख रहे हो ये भैरवेश्वर या लॉर्ड शिवा के नाम पे डेडिकेटेड है। ये जो पर्टिकुलर पीक है ये अराउंड 390 फीट का पीक है और इसके बाजू में मैंने जो पहले आपको दिखाया था वो है मोहिनी शिखर, दैट इज़ अराउंड 300 फीट। तो ये दो फॉर्मेशंस एक्चुअली फेमस है अमंग द 61 फॉर्मेशंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो बड़ा वाला फॉर्मेशन है ये बेसिकली यहाँ पे मतलब अंदर आप जा सकते हो, काइंड ऑफ केव्स यहाँ पे फॉर्म है और इसके अंदर एक्चुअली कहा जाता है कि स्वयंभू शिवा का लॉर्ड शिवा का मूर्ति भी है और दिस इज़ टोटली अमेजिंग। और ये जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट्स का जो फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है ये इसका एक माइथोलॉजिकल रीज़न भी है ये टू रॉक्स का फॉर्मेशन के पीछे। तो मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ ये टेम्पल और केव्स को एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद बाहर आके वो माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल चलिए अंदर चलते चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉल्स वगैरह है और जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग यालापुर सिरसी रोड से आए थे तो 10 मिनट का ट्रेकिंग करना पड़ा और अगर आप कुंटा रोड से आते हो तो यहाँ से आपको आना होता है 2 किलोमीटर ट्रैकिंग, उसके बाद 300 स्टेप्स। तो चलिए, मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये जो याना केव्स यहाँ पे दिख रही है, याना रॉक्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली कटगा जो फॉरेस्ट रेंज है उसके अंदर आते हैं। मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चारों तरफ आप देखो पूरा डेंस फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स और इसके बीच में ऐसे मॉन्स्टर्स फॉर्मेशन, मतलब रियली। ये जो भैरवेश्वर शिखर के नीचे भैरवेश्वर टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल, मतलब स्वयंभू शिवा है वहाँ पे और उनके सामने एक्चुअली चंडिका दुर्गा माता की भी मूर्ति है। तो अंदर गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मैं नहीं ले पाया। और इधर से बेसिकली जो प्रदक्षिणा का पाथ है वो बेसिकली भैरवेश्वर शिखर है उसको अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीढ़ी है तो ये चल के हम लोग केव्स के अंदर चलते हैं। और ये देखो यहाँ का टेक केव्स, ऐसा रॉक फॉर्मेशन मैं कभी देखा नहीं एक्चुअली, अपना आंखों से लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। तो यही मेरा पर्पस था करवर से डायरेक्ट गोकर्ण आ जाके दंडली होके घूम के फिर गोकर्ण जाने का, दिस इज द रीजन याना रॉक और याना केव्स। अभी ये चप्पल को हम लोग एक्चुअली वो भैरवेश्वर टेम्पल के वहाँ पे छोड़ के अभी मतलब बेयर फिट में हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देखो, अरे बाप रे बाप, ये हुई ना बात। ये है भैरवेश्वर शिखर जो याना रॉक केव्स का मेजर फॉर्मेशन है, उसके अंदर के पार्ट। यहाँ पे पूरा इको हो रहा है, बैट्स भरे हुए हैं और केव्स फॉर्म किया है। मतलब थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ के हम अंदर आए और ऐसे देखो दोनों तरफ ये रॉक का वॉल और ऊपर थोड़े थोड़े करके रॉक कट्स जिसके जरिए ऊपर से बारिश का पानी थोड़ा सनलाइट अंदर आ रहा है और इको हो रहा है एक्चुअली। Amazing experience, right? पर ये जो मतलब natural formations जो है ना, breathtaking views, breathtaking experience, आप जरूर आना actually। मतलब जैसे मैं आपको बताया ये हमारा
प्यारा सा अर्थ कितना कुछ कैरी कर रहा है, ये सब आप सभी को जानना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। तो चलते चलते मैं केव्स के अंदर से दूसरा एंड तक आ गया। तो यहाँ पे डेड एंड है और इसके पीछे ही एक्चुअली जो वेस्टर्न घाट्स का हाई है बेसिकली एज, बस मतलब यहाँ पे देखो एक दो क्लिप्स के बीच में एक और एक फॉर्मेशन यहाँ पे अटका हुआ दिख रहा है मुझे ऐसा। ये जो स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेक्माइट्स का जो फॉर्मेशन है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब ये एक एक पत्थर के बीच में हमारा दुनिया का हमारा यूनिवर्स का हिस्ट्री रूट अटका हुआ है। चलिए मैं अभी बाहर जाता हूँ और हमारा जो दूसरा वहाँ पे पिक है, दूसरा जो रॉक फॉर्मेशन है मोहिनी शिखर है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टेप्स नीचे जाके हमें वहाँ पे विजिट करना होता है, वहाँ पे भी चलते हैं। याना रॉक याना केप से बाहर आते वक्त बारिश स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कब बारिश शुरू होती है कब रुकती है पता नहीं चलता है। थोड़ा बहुत अभी ड्रिजलिंग यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ये जो याना केप्स या याना रॉक्स का जो भैरवेश्वर शिखरा है, इससे बाहर आके मैं एक्चुअली अभी इधर मोहिनी शिखरा तक थोड़ा जा रहा हूँ एक्चुअली। तो कुमटा का जो रूट है, कुमटा का रूट से आप अगर याना केव्स आते हो तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टेप्स चढ़ के आना होता है, तो उसी रूट पे थोड़ा मुझे 250 अराउंड स्टेप्स उतरना होगा वो पिक तक जाने के लिए, दूसरा जो रॉक फॉर्मेशन है, और फिर से मुझे वापस आना होगा। और ये देखो मतलब मैं जाता रहा हूँ पर मुझे हर वक्त लग रहा है कि मैं रुक के थोड़ा और भी एक्सपीरियंस करूँ इसको। तो चलिए उधर जो पिक दिख रहा है ना वो देखो, वो वाला पिक जो दिख रहा है दैट इज़ मोहिनी शिखरा। तो ऐसे एक्चुअली मुझे सीढ़ी उतर के जाना होगा। जंगल के बीच में से याना केव्स का जो फॉर्मेशन वन है वहाँ से टू तक जाने के बीच में मैं थोड़ा आपको जो माइथोलॉजिकल स्टोरी बताने वाला था वो थोड़ा बता देता हूँ। तो आपको पता है कि जो भस्मासुर थे बेसिकली उन्होंने लॉर्ड शिवा का तपस्या किए थे और लॉर्ड शिवा ने खुश होकर उनको वरदान दिया था, एक पावर दिया था कि तुम अगर किसी के सर में हाथ रखोगे तो वो भस्म या मतलब ऐश में टर्न करके पूरा जल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि भस्मासुर वो पावर मिलने के बाद वो लॉर्ड शिवा के ऊपर टेस्ट करने के लिए उनको चेस किया, मतलब वो लॉर्ड शिवा भागते 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 ये याना केव्स तक आके पहुँचे। और वो देखते बेसिकली लॉर्ड जो ब्रह्मा है उन्होंने सोचा कि ना लॉर्ड शिवा को थोड़ा रेस्क्यू करना चाहिए भस्मासुर से। तो उन्होंने मोहिनी मतलब पार्वती जो है देवी दुर्गा उनको आदेश दिया कि तुम जाके लॉर्ड शिवा को बचाओ। तो मोहिनी ने एक्चुअली कुछ ट्रिकी फार्मूला वहाँ पे अप्लाई किया, उन्होंने एक्चुअली स्वर्ग से यहाँ पे आके भस्मासुर के सामने एक अच्छे से रूप लिया, बेसिकली ब्यूटीफुल लेडी का रूप लिया और उनके सामने कुछ डांस कंपटीशन के लिए ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दिया कि मेरे साथ तुम भी डांस करो। तो भस्मासुर एक्चुअली लेडी जो दुर्गा के रूप में मतलब मोहित होके वो कंपटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद बेसिकली मोहिनी ने मतलब पार्वती ने एक्चुअली डांस स्टार्ट किया। तो डांस करते करते उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा पोज वहाँ पे किया कि खुद अपने हाथ को अपने सर में डाला एक्चुअली। तो जैसे डिफरेंट पोजेस होते हैं डांस के, तो वो देख के भस्मासुर जो थे उन्होंने भी मतलब थोड़ा वो कन्विंस्ड होके अपने हाथ को अपने सर में डाला। और द मोमेंट ही पुट हिज हैंड खुद का जो हाथ खुद का सर में जब डाला तो वो खुद ही भस्म या ऐश में कन्वर्ट हो गए। यहाँ का जो लोकल गांव है, मैं आपको बता रहा था याना गांव जो है, उनको ये बिलीफ है कि भस्मासुर ऐसे मतलब ताकत वाले आदमी थे एक्चुअली, और वो बेसिकली अपने हाथ सर में रखने के बाद जल जाने के बाद उसका जो मतलब फ्लेम था उसके वजह से ये दो शिखर एक्चुअली ब्लैक मतलब रॉक में टर्न कर गया, जो जल जाने के बाद जैसा दिखता है ना ये रॉक तो वैसा हो गया बेसिकली। तो इसीलिए ये दोनों रॉक को मतलब ब्लैकिश टाइप दिखता है। तो दैट इज़ व्हाट द माइथोलॉजिकल बिलीफ इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो आप बताना आपको साइंटिफिक रीजन अच्छे लगते हैं या माइथोलॉजिकल रीजन या दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टोरीज को रीड करने में। फिलहाल मैं बातें करते करते देखो मोहिनी शिखर के पास आ गया और इधर से शायद कहीं पर मोहिनी शिखर का अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग, मतलब जैसे हम लोग भैरवेश्वर शिखर के अंदर गए थे वो केव्स
स्ट्रक्चर को विटनेस करने के लिए. सो दीज टू रॉक फॉर्मेशंस आर द मेजर वन एक्चुअली. यहाँ पे ऐसे 61 अराउंड कुछ फॉर्मेशंस है और आप देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ पाथवे है. यस यहाँ पे ये मोहिनी शिखर का पाथवे है और इस तरफ से आप अगर जैसे मैं आपको बता रहा था कुमटा रोड से आओगे तो 2 किलोमीटर ट्रैक पार्किंग से उसके बाद 300 स्टेप्स चढ़ के ये पहले मोहिनी शिखर है उसके बाद भैरवेश्वर शिखर है. और हम लोग इजी रूट फॉलो किए येलापुर की तरफ से, पहले पार्किंग वहाँ से आधा किलोमीटर ट्रैक और फिर भैरवेश्वर शिखर है. और कितना ईजी है, मोहिनी शिखर बाजू में ही है. वापस ऊपर जाता हूँ ये 250 अराउंड कुछ स्टेप्स चढ़ के और वो जो भैरवेश्वर शिखर है वहाँ से मुझे पार्किंग तक भी जाना है. और उसके बाद मेरा प्लान है कि यहाँ से 10 किलोमीटर के करीब विभूति फॉल्स है विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन दिस रीजन. तो देखते हैं एक्चुअली वहाँ पे भी जाके कुछ ट्रैकिंग वगैरह करना होता है तो वहाँ पे चलते हैं. और मैं रुक रहा हूँ, बार बार रुक रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक के थोड़ा एक्सपीरियंस भी करना चाहिए. यू मस्ट हैव दिस प्लेस इन योर बकेट लिस्ट. आप अगर कोस्टल कर्नाटका ट्रिप में आते हो या दंडेली का ट्रिप में आते हो तो ये डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए. वापस वो आधा किलोमीटर जैसे ट्रैक करके पार्किंग में आ गए. अभी मेरा प्लान था कि विभूति फॉल्स जाने का, पर यहाँ पे नीचे कुछ लोग बता रहे थे कि विभूति फॉल्स का कुछ एंट्री टाइमिंग 5:30 होते हैं. अभी ऑलमोस्ट 5:30 है, यहाँ से जाने में 10 किलोमीटर कुछ 20-30 मिनट्स लगते हैं. देखते हैं एक्चुअली मैं जाता हूँ वहाँ पे क्योंकि कॉमन एक जंक्शन आएगा वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जाना होता है और बंद है तो बंद है. पर ये जो एक्सपीरियंस है अमेजिंग. सियाना कैप से अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं. ये एक्सट्रीम ऊपर लेके जाते हैं एक्चुअली ये रोड्स और अभी फॉरेस्ट के बीच में से हम लोग नीचे उतर रहे हैं. सामने एक जंक्शन आएगा, वो जंक्शन से लेफ्ट लेंगे तो 3 किलोमीटर अंदर विभूति फॉल्स है. मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं तो फिर से वापस वो जंक्शन पर आके गोपरना पे जाके मिलेंगे. ये जंक्शन में आपको बता रहा था वो याना कैप से वापस आते वक्त एक जंक्शन मिलेगा, उससे थोड़ा लेफ्ट में विभूति फॉल्स दिखा रहा है 2-3 किलोमीटर. तो ये मैं विभूति फॉल्स के जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे आके पहुँचा हूँ. इस तरफ विभूति फॉल्स का एंट्री पॉइंट है पर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं सोच रहा था ये जो टिकट काउंटर है यहाँ पे ये क्लोज है अभी क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 8 AM to 5 PM. फॉल्स तो मैं काफ़ी घूम चुका हूँ अब तक वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वो सहाद्री हो या नीलगिरीज हो जहाँ पे भी, पर हर एक फॉल्स अलग होते हैं. यहाँ पे थोड़ा मैं विजुलाइज करता तो और भी अच्छे लगते, पर 5 बजे ये क्लोज हो गया. तो 5 बजे आपको तो पता है मैं मज़े में वो याना रॉक्स याना क्लिप्स को एक्सप्लोर कर रहा था. दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो मैं फॉल्स देख नहीं पाया इसमें कुछ, मुझे इतना दुख नहीं हो रहा क्योंकि मैं जो वहाँ पे देख के आया हूँ वो टोटली डिफरेंट चीज़ थी एक्चुअली, यूनिक इन द वर्ल्ड. ये जो व्यू देखो ये विभूति फॉल्स के पास में आप देख रहे हो ना, ये वेस्टर्न घाट्स पहाड़ और यहाँ पे कुछ छोटे से विलेज मुझे दिख रहा है और छोटे छोटे गाँव के घर
एक क्रॉपिंग फील्ड, सुपारी का खेती, मतलब एक के बाद एक ट्रीज बटल नट्स के, और ये पहाड़ों के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में ये कोहरा अटक गया है वहाँ पे। फैंटास्टिक, लवली, राइट, लवली। मैं आपको अलग से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, और यहाँ से फिर हमारा जो एक्चुअल जर्नी है गोकर्ण तक, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो अभी रिटर्न करते हैं हम लोग विभूति फॉल से सीधा गोकर्ण का, हमारा जो एकोमोडेशन है कर्नाटक का कोस्टल रीजन, कोस्टल टाउन गोकर्ण में। आज का हमारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। हम लोग दांडेली काली टाइगर रिजर्व कुर्गी नेचर कैंप से स्टार्ट किए थे, येलापुर होके फिर यूनिक वर्ल्ड फेमस स्पॉट याना केव्स, याना रॉक्स को एक्सप्लोर किए, और जो रोड ट्रिप का जो अमेजिंग व्यूज होते हैं वो तो था ही पूरे ट्रिप में। तो फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं गोकर्ण। लॉन्ग डे ट्रिप था वो, दांडेली में काली टाइगर रिजर्व जो कुर्गी नेचर कैंप था, वहाँ से येलापुर होके फिर याना रॉक्स, याना केव्स। अनफॉर्चुनेटली विभूति फॉल्स में एंट्री नहीं ले पाए, पर फिर भी हम लोग मतलब थोड़ा यहाँ पे रात को आके गोकर्ण में पहुँचे, और होटल पहुँचने से पहले ही मेरा जो डिनर था वहीं पे मैं ऑन द वे कर लिया था। तो अभी मेरा प्लान है कि ये जो कोस्टल कर्नाटका का टूर चल रहा है इसमें कल गोकर्ण का मतलब बहुत सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है यहाँ पे, और अगले बहुत सारे दिन हम लोग कोस्टल में ही रहेंगे एक्चुअली कर्नाटका का कोस्टल रीजन पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैं हमारा ये सीरीज़ का या अदर सीरीज़ का ब्ली लॉक्स अभी तक आपने देखा नहीं तो देख लेना, और डेफिनेटली चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रैवल व्लॉग्स इस चैनल पे आपको हर वक्त मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड अदर ब्लॉग्स एज वेल। सी यू सून, बाय बाय।